नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान और आज हम बात करेंगे कैबिनेट विस्तार। जी हां, लखनऊ से खबर आ रही, योगी सरकार का आज कैबिनेट विस्तार होगा। 6 से 8 मंत्रियों को मिल सकती है कैबिनेट में जगह। शाम 5:30 बजे शपथ समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया। गांधी सभागार में यह शपथ ग्रहण समारोह होगा। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी राजभवन पहुंच चुकी हैं। कैबिनेट विस्तार से पहले हाई लेवल बैठक, संभावितों की लिस्ट में कई बड़े चेहरे शामिल हुए हैं। 6 से 8 मंत्रियों को कैबिनेट में जगह मिल सकती है। शाम 5:30 बजे शपथ समारोह कार्यक्रम रखा गया है। गांधी सभागार में होगा शपथ ग्रहण समारोह। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी राजभवन पहुंची हैं। कैबिनेट विस्तार से पहले हाई लेवल बैठक हुई। संभावितों की लिस्ट में कई नाम शामिल हैं। जितिन प्रसाद, संगीता बिन, छत्रपाल गंगवार, ये वो नाम हैं जिन्हें कैबिनेट में जगह मिली है, मिलेगी ये भी कह सकते हैं। जितिन प्रसाद, संगीता बिन, छत्रपाल गंगवार, पलटू राम, दिनेश खटीक, कृष्णा पासवान, ये वो नाम हैं जिन्हें योगी कैबिनेट में शामिल किया जाएगा। संजय गौड़, धर्मवीर प्रजापति का नाम भी शामिल है। योगी सरकार का आज कैबिनेट विस्तार होगा। शाम 5:30 बजे का समय निर्धारित किया गया है। योगी सरकार का आज कैबिनेट विस्तार है। 6 से 8 मंत्रियों को मिल सकती है कैबिनेट में जगह। शाम 5:30 बजे शपथ ग्रहण कार्यक्रम रखा गया है। गांधी सभागार में ये कार्यक्रम होगा। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी राजभवन पहुंच चुकी हैं। कैबिनेट विस्तार से पहले हाई लेवल बैठक हुई जिसमें संभावितों की लिस्ट में कई बड़े चेहरे शामिल हैं। तो काफी समय से चर्चा हो रही थी कैबिनेट विस्तार को लेकर, लेकिन आज जो खबर आ रही कि आज कैबिनेट विस्तार पर मुहर लग जाएगी। 6 से 8 नाम शामिल किए जाएंगे। आपको बता दें, जो निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने क्या कुछ कहा है, आपको सुना देते हैं। देखिए, हम लोग पद प्रतिष्ठा के लिए काम नहीं कर रहे हैं। हम लोग अपने समाज के हक, इससे इनके आरक्षण है, इनकी रोजी रोटी छीना गया है, ये देश को आज़ाद कराने वाले जातियाँ हैं, ये आज के दिन में 1 जून की रोटी के लिए तरस रहे हैं, आज के दिन में कपड़े नहीं है, घर नहीं है, इनके हक हिस्से संविधान में जो लिखा है, आरक्षण मझवार गाँव तुरैया खरवाड़ बिलदार खरुण कोली, उसकी लड़ाई के लिए नहीं। अगर भारतीय जनता पार्टी कुछ करती है तो मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ। ये यूपी सरकार का आखिरी मंत्रिमंडल सरकार का वो करेंगे, विस्तार करने जा रहे हैं, तो किस तरीके से क्या कहेंगे? और सरकार उनकी है, जब जो जीत के लिए 2022 के जीत के लिए जो जो भी समीकरण जो जो भी चाहिए वो इकट्ठा करें करेंगे, और मैं उनका गठबंधन दल हूँ, उन्हें बधाई दूंगा कि जो जो भी करते उसमें मेरा सहयोग है। तो कम समय बचा है और मंत्री आप बनाए जाएंगे, तो किस तरीके से कार्य करेंगे? बहुत कम है। मैं कहता हूँ कि वोट तो 6 सेकंड में पड़ते हैं और 24 घंटे के अंदर उत्तर प्रदेश में माहौल बदलते हैं। उत्तर प्रदेश एक उत्तम प्रदेश है, यहाँ की सियासत पूरे देश को हलचल मचाती है। 2 महीने बहुत बड़ी बात है, अभी तो 7 महीने 6 महीने बाद वोट पड़ेगा। 2 महीने तो आचार संहिता, जब तक वोट नहीं पड़ जाता तब तक माना जाता है, और 6 महीने बहुत है। और निषाद पार्टी सहयोगी दल के रूप में भारतीय जनता पार्टी के बाद गठबंधन आएगी, और भारतीय जनता पार्टी जितनी सीट लक्ष्य रखी है उससे ज़्यादा जिताकर निषाद पार्टी देने के लिए कहेगी, क्योंकि ये झगुआ भर रोड पर पौआ का लेवल पिछली सरकारों ने लगा रखा था, अब निषाद पार्टी का लेवल लग गया। इन्हें मालूम हो गया कि निषाद पार्टी टोपी झंडे के साथ भारतीय जनता पार्टी है, वो हमें सीट दे रही है, हम उन्हें जीत देंगे।
अब आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं वो संभावित चेहरे जो योगी कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं। संजय निषाद संभावित चेहरा है, जितिन प्रसाद हैं जिन्हें शामिल किया जा सकता है, बेबी रानी मौर्य हैं जो उत्तराखंड की राज्यपाल थी जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है, जेपीएस राठौर ये वो नाम है जिन्हें कैबिनेट में जगह मिल सकती है, संगीता बलवंत बिंद, एके शर्मा का भी संभावित में नाम शामिल है, तेजपाल नागर इन्हें भी मंत्री बनाया जा सकता है, पलटू राम बलरामपुर से विधायक हैं, संजय गौड़ इनके नाम पर भी मोहर लग सकती है। तो योगी की टीम के नए चेहरे जो हो सकते हैं उनका आपको उनके बारे में बता रहे हैं, धर्मवीर प्रजापति हैं जिन्हें शामिल किया जा सकता है मंत्रिमंडल में, छत्रपाल गंगवार इनको भी जगह मिल सकती है, तो ये वो नाम है जिन्हें योगी कैबिनेट में जगह मिल सकती है। संजय निषाद निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जितिन प्रसाद कुछ ही समय पहले भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, कांग्रेस के बड़े कद्दावर नेता थे, बेबी रानी मौर्य उत्तराखंड की राज्यपाल थी अब इस्तीफा दे दिया है, तो ये तमाम सारे नाम हैं जिनको अब योगी कैबिनेट में जगह मिल सकती है, संगीता बलवंत बिंद है, तो काफी समय से चर्चा हो रही थी अब योगी कैबिनेट में नए जो चेहरे शामिल होंगे, शाम 5:30 बजे का समय निर्धारित किया गया जो शपथ लेंगे, कई सारे नाम हैं, किन सारे नामों पे मोहर लगेगी ये भी एक प्रश्न बना हुआ, जब तक कि शपथ नहीं ले लेते हैं। इन्हीं सब पर बातचीत के लिए हमारे पॉलिटिकल एडिटर प्रदीप विश्वकर्मा जुड़ गए हैं लखनऊ स्टूडियो से। प्रदीप जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रदीप जी सवाल ये है कि काफी समय से अटकलें लगाई जा रही थी कौन कौन से चेहरे शामिल होंगे, अब जिन नामों की खबरें खबर आ रही जिन नामों पर सहमति बन सकती, क्या इसमें भी कुछ फेरबदल किया जा सकता है? देखिए तनेंद्र, अभी तक जो खबर आ रही थी वो हमने कंफर्म कर दिया कि अब इस बार होगा ही मंत्रिमंडल विस्तार होगा, समय निर्धारित हो गया है, तिथि निर्धारित ऑलरेडी है और समय का भी निर्धारण हो गया है, दो जगह पर मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है, एक पंजाब में 4:30 बजे और उसके ठीक एक घंटे बाद उत्तर प्रदेश में भी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। पूरा क्लियर कर दें आपको कि कम से कम 7 मंत्रियों को शपथ यहां पर दिलाई जाएगी, क्योंकि 7 ही जगह है, हम जो चैनल खबर दिखा रहे हैं कि 6 से 8 इसमें शामिल किया जा सकता है वो 8 होना संभव नहीं है, क्योंकि 53 ऑलरेडी मंत्री हैं और उसके अलावा मात्र 7 स्थान ही बचते हैं जहां पर जिनको मंत्री बनाया जा सकता है, तो कुल ज़्यादा से ज़्यादा 7 मंत्रियों को जगह मिल सकती है। उसके अलावा एक और बड़ी खबर हम आपको बता दें, कुछ मंत्रियों का प्रमोशन हो सकता है, कल्याण सिंह जी जो हमारे बीच में नए पूर्व मुख्यमंत्री, उनके बेटे के बेटे यानी कि राजवीर के बेटे संदीप सिंह अभी राज्य मंत्री हैं, उनका प्रमोशन हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से कल्याण सिंह की मौत हुई और मृत्यु हुई उसके बाद से उनको 3 दिन तक मुख्यमंत्री स्वयं लगातार सारे कार्यक्रम खुद करते रहे, बेटे का निर्वहन किया, बेटे के तरीके से उनके सारे कार्यों का निर्वहन किया, ऐसे में अब ये भी कहा जा रहा है कि संदीप सिंह का, चूंकि वो लोध वोट बैंक है, उनका प्रमोशन हो सकता है। हम पूरे मंत्रिमंडल के साथ अगर अपने जो संभावित नाम है उनकी चर्चा करें तो आप देखेंगे इसमें सबसे ज्यादा दलित और पिछड़े ही नजर आ रहे हैं, क्योंकि केंद्र की सरकार में भी जो 7 मंत्री बने थे उसमें भी एकमात्र मिश्रा, अजय मिश्रा जो कि ब्राह्मण समुदाय से थे उनको मंत्री बनाया गया था, बाकी 6 के 6 मंत्री पिछड़े और दलित वर्ग से बनाया गया था, और ये साफ संदेश दिया गया था, खुद सरकार की तरफ से संदेश आया था कि अब की बार पिछड़ों की सरकार, वही लब्बोलुआब आपको उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिल सकता है। जो संभावित नामों की लिस्ट है उसमें एक नाम छोड़ करके, जितिन प्रसाद का नाम छोड़ करके, बाकी जितने संभावित नाम है, चाहे पलटू राम की बात करें, बेबी रानी मौर्या की बात करें या गौड़ की बात करें, ये जितने भी, दिनेश खटिक की बात करें, धर्मवीर प्रजापति हैं, संगीता बिंद है, कृष्णा पासवान, छत्रपाल गंगवार, संजय गौड़, तेजपाल नागर, धीरेन्द्र गुर्जर,
ये जितने भी नाम आप देख रहे हैं ये सब के सब दलित और पिछड़े वर्ग से आते हैं, तो साफ संदेश देना है क्योंकि 2014 से ही दलित और पिछड़े लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवा रहे हैं और इस बार उनको पर फिर से एक बार फोकस किया गया और ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि दलित और पिछड़ों की सरकार है, उनके लिए ही काम किया जा रहा है। क्योंकि 2022 का चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है, संदेश देकर के ये चुनाव जीतने की कोशिश की जाएगी। अब शैलेंद्र, यहाँ पर दो बहुत महत्वपूर्ण चीज है। सबसे एक बहुत महत्वपूर्ण चीज ये है कि क्या AK शर्मा को जगह मिलेगी, ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि यही है वो एक पेंच है जिसकी वजह से कई बार मंत्रिमंडल का विस्तार होते होते रह गया। AK शर्मा हम सब जानते हैं बोन ऑफ कंटेंशन बन चुके हैं, प्रधानमंत्री के बहुत खास मित्र हैं और प्रधानमंत्री चाहते हैं कि उनकी एक अहम भूमिका यहाँ पर उत्तर प्रदेश में हो, लेकिन उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसी चीजें थी जो उनको मंत्री बनाने से रोक रही थी। कई चीजें हम लोगों ने देखी, अपने चैनल में दिखाई, एक बार तो कालिदास मार्ग पर उनका घर तक हो गया था लेकिन फिर उनको यहाँ से हटा करके डालीबाग भेजा गया। और क्या वो मंत्री बनेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। अभी अभी जो मंडल है, अभी जो उनका संगठन है, संगठन में वो उपाध्यक्ष की भूमिका निभा रहे, लेकिन वो इतनी छोटी भूमिका के लिए उत्तर प्रदेश नहीं आए थे। बहुत सीनियर IAS हैं, लंबे समय तक गुजरात में काम किया है और 3 साल का अपना करियर छोड़ करके वो प्री मैच्योर रिटायरमेंट लेकर के वो उत्तर प्रदेश आए थे। क्या वो इस बार मंत्रिमंडल में शामिल होंगे, ये सबसे बड़ा सवाल होगा आज के मंत्रिमंडल विस्तार में। अभी तक की जो हमारे पास खबर है उनका मंत्रिमंडल में एंट्री शायद संभव नहीं है, ये सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात हमने बताई कि जो कल्याण सिंह के बेटे हैं संदीप सिंह का प्रमोशन हो सकता है, कुछ और मंत्रियों का प्रमोशन भी हो सकता है, लेकिन जहां तक कैबिनेट से बाहर का रास्ता दिखाए जाने की बात है तो शायद ये संभव नहीं है क्योंकि अब 4 महीने बचे हैं और 4 महीने में किसी को जिसको भी बाहर किया जाएगा उसका वो वर्ग नाराज हो जाएगा। तो ऐसे में ये किसी को बाहर ना करके ज्यादातर लोगों को कैबिनेट में जगह दी जाएगी, 7 लोगों को जगह दी जा सकती है क्योंकि 60 से ज्यादा 60 यानी कि 15 चौके 60 60 से ज्यादा मंत्री नहीं बन सकते हैं और इसलिए 7 मंत्रियों को इसमें जगह दी जाएगी और उनके जरिए 2022 का चुनाव जीतने की कोशिश की जाएगी। क्योंकि केंद्रीय मंत्रिमंडल का जब विस्तार हुआ, हमने पहले भी दर्शकों को बताया, उस 7 मंत्रियों में से 6 मंत्री दलित और पिछड़े के बनाए गए हैं, उन सबको और अजय मिश्रा को, 7 लोगों को उत्तर प्रदेश भेज दिया गया है, उन्होंने अपनी कमान संभाल ली है। अब आज ये जो मंत्री बनेंगे इन सबको भी अलग अलग कमान दी जाएगी और वो जाकर के कमान संभालेंगे। बड़ी बात यह है कि कई दलित चेहरे और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के चेहरे, संजय गौड़ जैसे अनुसूचित जनजाति से आते हैं और पासवान है दलित के चेहरे हैं, ये सब बेबी रानी मौर्य की बात करें तो जाटव समाज से आती हैं। मायावती को घेरने की पूरी रणनीति बन चुकी है क्योंकि मायावती जिस तरह से ब्राह्मणों पर निशाना लगा रही है, ब्राह्मणों को आकर्षित करने की कोशिश कर रही है, लेकिन सवाल जो हमने KNews ने दिखाया था, KNews ने उठाया था कि जब मूलधन ही नहीं रहेगा तो ब्याज कहां से आएगा, यानी कि जब आपके पास दलित वोट ही नहीं रहेगा तो ब्राह्मण आपके पास क्यों आएगा, क्योंकि ब्राह्मण वही जाता है जहां पर चीजें सजी होती है, वो जाकर के चीजों को और बेहतर बना सकता है, लेकिन जहां पर कुछ भी नहीं है वहां वो कुछ नहीं कर सकता। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अब मायावती अपनी रणनीति चेंज करेंगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने उनको घेरने की पूरी तैयारी कर दी है, नॉन जाटो वोट को पहले ही बांट दिया है, जाटो वोट बांटने के लिए चंद्रशेखर आजाद मैदान में है लेकिन भारतीय जनता पार्टी उससे संतुष्ट नहीं है, अपने लोगों को मैदान पे उतार करके वो वोटों का बंटवारा करना चाहती है। तो कुल मिलाकर के पूरी तरीके से आज ये मंच सज चुका है और यहां से संदेश दिया जाएगा कि 2022 का रण सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही जीतने जा रही है, ये संदेश आज पूरे प्रदेश उसी में तरह समीकरण भी जो है इसी तरह समीकरण स्थापित किए जा रहे हैं ताकि चुनाव में जीत हो, ऐसे चेहरों पर दांव लगाया जा रहा है जिनसे पार्टी को फायदा पहुंचे। प्रदीप जी बने रहिए, एक ब्रेक का वक्त है, एक ब्रेक ले रुकेंगे और इसी पर हम बने रहेंगे।
खबरों का सारथी तक धुम दस हफ्ते दस बजे दस मिनट डेंगू धुम तक दस हफ्ते दस बजे दस मिनट डेंगू हट दस हफ्ते दस बजे दस मिनट दिल्ली से हट धुम धुम तक धुम धुम तक इस बार भी पानी जमा न होने देंगे होगा तो उड़ेल देंगे बदल देंगे तेल डाल देंगे नो इफ नो बट दस हफ्ते दस बजे दस मिनट डेंगू हट दस हफ्ते दस बजे दस मिनट दिल्ली से हट चल हट परे हट परे हट चल हट और डेंगू दिल्ली से हट इस बार भी डेंगू को हराना है दस हफ्ते दस बजे दस मिनट फिर से अपनाना है हर रविवार डेंगू पर वार दस हफ्ते दस बजे दस मिनट डेंगू हट दस हफ्ते दस बजे दस मिनट दिल्ली से हट पर ये दिल है कि चक रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ इस जुबान से दूर ना जा पाओगे विमल बोलो जुबान केसरी आप देख रहे हैं की न्यूज खबरों का सारथी के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार में आज कैबिनेट विस्तार होना है। काफी समय से अटकलें लगाई जा रही थी, तमाम तरह की चर्चाएं थी कि कैबिनेट विस्तार होना है, लेकिन अब जाके जो खबर आ रही पुख्ता तौर पर कि आज शाम 5:30 बजे कैबिनेट का विस्तार होगा। नए मंत्री जो हैं वो आज ही शपथ लेंगे, जिसको लेकर कई सारी तैयारियां भी की गई हैं। काफी समय से बैठकें चल रही थी, अब कई सारे नाम सामने आ रहे हैं और वो ये वो नाम है कि पूरी तरह से सरकार ने वो समीकरण बनाकर उन नामों की घोषणा की जो नाम चल रहे हैं चर्चा में हैं, ताकि चुनाव में उसका फायदा मिल सके। हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर प्रदीप विश्वकर्मा बने हुए हैं लखनऊ स्टूडियो से। प्रदीप जी, एक नाम अभी भी चर्चा में बना हुआ है, स्थिति जो है स्पष्ट नहीं हुई है कि इस चेहरे पर मोहर लगेगी या नहीं, नाम है संजय निषाद। बिल्कुल शैलेंद्र, जहां तक हमारे पास खबर है कि संजय निषाद को MLC तो बनाया जा सकता है, लेकिन शायद उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल ना किया जाए। ये एक बड़ी खबर है, क्योंकि उनसे ये बात की जा रही कि या तो आप MLC बन जाइए या तो आप मंत्री बन जाइए, और मंत्री बनने के लिए कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि 6 महीने तक आप मंत्री रह सकते हैं बिना किसी, चाहे विधान परिषद हो चाहे विधानसभा हो, बिना किसी संसद के सदस्य हुए भी आप 6 महीने तक मंत्री रह सकते हैं। लेकिन लगता है कि संजय निषाद को शायद MLC ज्यादा पसंद आ रहा है, क्योंकि 6 साल तक वो इस पद पर रह सकते हैं, तो शायद वो आज इसमें मंत्रिमंडल के विस्तार में ना दिखें, ये एक बड़ी बात होगी। सहयोगियों की अगर हम बात कर रहे हैं तो एक सहयोगी और है, सहयोगी अपना दल की अगर हम बात करें तो आशीष पटेल का नाम था शुरू से ही, जब 2017 में सरकार बनी थी और जो फार्मूला ये लगाया गया था कि हर 5 विधायक में से एक मंत्री बनेगा, तो 4 विधायक थे आशीष पटेल के पास में, यानी कि अनुप्रिया पटेल के पास में। अनुप्रिया पटेल को केंद्र में राज्य मंत्री बना दिया गया है, लेकिन आशीष पटेल काफी लंबे समय से मंत्री बनने की ख्वाहिश पाले हुए हैं और लगातार दबाव बना रही हैं अनुप्रिया पटेल भी, लेकिन लगता है कि शायद वो कामयाब नहीं हो पाई है। आशीष पटेल का नाम भी इन संभावित लिस्ट में नहीं है, तो सहयोगी दिखाई नहीं दे रहे हैं। सहयोगियों को सीट देकर के मनाया जा सकता है, सहयोगियों को MLC की सीट देकर के मनाया जा सकता है, लेकिन शायद सहयोगियों को मंत्री ना बनाया जाए, क्योंकि मंत्री वो अपने ही लोगों को, भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि वो अपने लोगों को ही मंत्री बनाए। JPS राठौर की अगर हम बात कर लें, उनका भी संभावितों की लिस्ट में नाम है और बड़ा चेहरा है, उपाध्यक्ष है, IIT है, शाहजहांपुर से आते हैं, गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं IIT के, उनका नाम भी चल रहा है कि शायद उनको भी मंत्री बनाया जा सकता है। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि क्योंकि वो ऐसे वर्ग से आते हैं जिन जो वर्ग ऑलरेडी मुख्यमंत्री है, यानी कि ठाकुर वर्ग से आते हैं, तो ऐसे भारतीय जनता पार्टी नहीं लगता कि कोई इस तरह का काम करेगी, क्योंकि ठाकुर ऑलरेडी उनके पास में काफी हद तक जुड़ा हुआ है, मुख्यमंत्री है ठाकुर वर्ग के, तो बाकी के जो दलित पिछड़े
हैं और जितिन प्रसाद को ब्राह्मण के रूप में यहाँ पर उतार करके ये साधा जाएगा, निशाना साधा जाएगा कि देखिए हम कैसे जिन लोगों ने हमको वोट दिया हम उनकी सरकार बना रहे हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या ये जो चार महीने के लिए मंत्री बनाए जा रहे हैं क्या वो चार महीने में कोई काया पलट कर पाएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार कोशिश कर रही है कि कहते 2022 का रण जीता जाए। बंगाल में वो उतना अच्छा नहीं कर सके जितनी उनको उम्मीद थी, और 2022 का रण ऐसा होगा जैसे कि हम लगातार अपने चैनल में भी दिखा रहे हैं कि ये रण महाभीषण होगा, कि यहाँ पर सिर्फ उत्तर प्रदेश के लोगों की ही निगाहें नहीं रहती हैं बल्कि पूरे देश के लोगों की निगाह रहती है, या हम यूं कहें पूरे विश्व के लोगों की निगाह रहती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के चुनाव परिणाम ही तय करते हैं कि 2024 में जो आम मतदान होगा वो उस पर काफी असर पड़ेगा। इसलिए सारी राजनीतिक पार्टियां इस पर अपना पूरा फोकस कर रही हैं, खासकर भारतीय जनता पार्टी का दांव का स्टेक है उनका, और वो उस पर किसी भी प्रकार का जोखिम नहीं ले सकते। इसलिए लगातार केंद्रीय मंत्रिमंडल जो 7 लोगों की टीम बनाई गई है प्रभारी की धर्मेंद्र प्रधान के नेतृत्व में, वो यहाँ पर 3 दिन तक लगातार रहे। स्वयं सूचना प्रसारण मंत्री को चैनलों की और मीडिया की जिम्मेदारी दी गई है कि कैसे वो मैनेज करना है, कैसे उसको देखना है, वो उसकी जिम्मेदारी इनके ऊपर है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी गंभीरता से चुनाव लड़ रही है भारतीय जनता पार्टी। उसको पता है कि एक एक वोट बहुत कीमती है, और वो बूथ से लेकर के यूथ की बात करें, महिला की बात करें, संगठन की बात करें, हर जगह पर उसने अपने कील कांटे दुरुस्त कर दिए हैं, और आज ये एक और बड़ा कदम लेने जा रही है। इसके बाद शायद चीजें सब सुव्यवस्थित हो जाएंगी और अब चुनाव जीतने के लिए लोग निकल पड़ेंगे। प्रदीप जी, धर्मेंद्र प्रधान जो है मुख्य चुनाव प्रभारी बनाए गए थे, उन्होंने 3 दिन का जो समय बिताया है, 3 दिन प्रवास पर रहे यूपी में, उसके बाद ही ये मामला सामने आया है कि कैबिनेट विस्तार हो रहा है। क्या ये जब 3 दिन रुके हैं तब जाके मीटिंग हुई, बैठक हुई है, तब फैसला लिया गया कि आपको कैबिनेट विस्तार करना ही है? बिल्कुल, काफी लंबे समय से टसल चल रही थी, हम कह सकते हैं, इसमें कहने में कोई गुरेज नहीं है। उत्तर प्रदेश की सरकार में और केंद्र की सरकार में शायद बहुत सारी चीजें बन नहीं पा रही थी। कई बार योगी जी ने दिल्ली का दौरा किया, अमित शाह से मिले, प्रधानमंत्री से मिले, और कई दिल्ली के तमाम नेता उत्तर प्रदेश का रुख किया, उन्होंने उत्तर प्रदेश आते रहे। केंद्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष भी उत्तर प्रदेश में कई दौरे कर चुके हैं, और जेपी नड्डा साहब भी आए यहाँ पर। तमाम लोग आकर के यहाँ कई बार गुत्थी सुलझाने की कोशिश की, लेकिन जो नाम हमने आपको बताया ए के शर्मा का, उनकी वजह से ये चीजें बन नहीं पाई। और अब धर्मेंद्र प्रधान को जिनको प्रभारी बना करके यहाँ पर भेजा गया, उसके बाद संजय निषाद से उनकी मुलाकात हुई, तभी जाकर के चीजें बिल्कुल, और कह सकते हैं कि उसी का नतीजा है जो ये एके शर्मा का नाम चर्चा में चल रहा है, तो हो सकता है एके शर्मा के नाम पर भी मुहर लग जाए। प्रदीप जी हमारे साथ बने रहिए, एक ब्रेक रुकेंगे, एक ब्रेक के बाद हम इसी पर चर्चा करते रहेंगे। एक ब्रेक का वक्त है, फौरन लौटेंगे। खबरों का सारथी। विकास के पथ पर सरपट दौड़ता उत्तर प्रदेश विश्व पटल पर अपनी नई छाप छोड़ रहा है। यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के कुशल नेतृत्व में उत्तर प्रदेश विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है। सिर्फ दावे नहीं, अपने मजबूत इरादे से योगी सरकार ने प्रदेश के जन जन तक योजनाओं का लाभ पहुंचाया है। पीएम स्वनिधि योजना का लाभ और गन्ना किसानों को गन्ने का रिकॉर्ड भुगतान कर प्रदेश के किसानों को उनका हक दिया। मिशन रोजगार के तहत 4.50 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी और 1.50 करोड़ से अधिक श्रमिकों को मनरेगा में रोजगार उपलब्ध कराया है। मुफ्त टीका और मुफ्त इलाज देने वाला यूपी देश का पहला प्रदेश बना। हर घर नल योजना का लाभ, सौभाग्य योजना में विद्युत कनेक्शन देने में यूपी को नंबर 1 बनाया है। हर जिला मुख्यालय को 24 घंटे
तहसील मुख्यालयों को 20 घंटे और ग्रामीण क्षेत्रों को 18 घंटे की विद्युत की आपूर्ति हम लोगों ने सुनिश्चित की। प्रदेश में कानून व्यवस्था बेहतर करने के साथ महिलाओं का मान सम्मान भी बढ़ाया है। अपनी मजबूत और दृढ़ इच्छा शक्ति से मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने यूपी की तस्वीर और तकदीर बदल दी है। एक इरादे पूरे किए वादे। सुबह के लिए उड़ चला गरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल बोलो जुबान केसरी। हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के सहकारिता मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा जी हैं। कहा यह जा रहा कि महाराष्ट्र में शरद पवार का पूरा कब्जा है सहकारिता पर। सहकारिता आंदोलन है, जो जुड़ जाते हैं उनका लगाव हो जाता है। आपने ऐसी व्यवस्था बनाई, ऐसा कानून बनाया कि वो परिवार ही उखड़ गया पूरा। प्रधानमंत्री जी का नारा था किसानों की आय दोगुनी कर दी जाएगी 2022 तक। किसान आंदोलित है। अभी जो आंदोलन होता है तो एक भी किसान की बात नहीं करते हैं, सीधे कोई मोदी हटाओ कहता है तो कोई योगी हटाओ कहता है। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं योगी सरकार के कैबिनेट विस्तार की। काफी समय इसके अटकले चल रही थी, कयास लगाए जा रहे थे, खबरें बनी हुई थी कि कैबिनेट का विस्तार होना है, लेकिन अक्सर ये अंजाम तक नहीं पहुंच रही थी। लेकिन अब जो खबर है कि आज शाम को 5:30 बजे जो नए मंत्री शामिल किए जाएंगे वो शपथ ले लेंगे। कई सारे नाम सामने आ रहे हैं, आखिरकार किन पर सहमति बनेगी ये तो देखने वाली बात होगी। हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर प्रदीप विश्वकर्मा जुड़े हुए हैं लखनऊ स्टूडियो से। प्रदीप जी, एक बात और भी है कि बीजेपी जो है इस वक्त अति पिछड़ों और दलित पर ज्यादा फोकस कर रही है, पिछड़ा वर्ग और दलित वर्ग को साधने में जुटी है, क्योंकि कहा जाता है बीजेपी अगड़ों की पार्टी है तो उनको लगता है ब्राह्मण क्षत्रिय कायस्थ गुप्ता ये सब हमारे साथ रहेंगे, इनको साधने की जरूरत है, अगर इनको साध लिया तो चुनाव जीत लिया। बिल्कुल ठीक कह रहे शैलेंद्र। आजकल एक बात चल रही है कि जो सवर्ण है वो राष्ट्रीय पक्षी है और राष्ट्रीय पक्षी अपना पेड़ छोड़ करके कहीं नहीं जाता, वो भाजपा छोड़ करके कहीं नहीं जाएगा। और अब उनको जो जरूरत है, वो जो दरकार है, वो है पिछड़ों की और दलितों की। तो इसी पर पूरा फोकस है उनका कि कैसे पिछड़ों और दलितों को लुभाया जाए, मनाया जाए। कहा जा रहा है कि चूँकि थोड़ी नाराजगी थी, क्योंकि जिस हिसाब से उनको हिस्सा मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, और पिछड़ा और दलित वर्ग सब जानते हैं कि वोट की चोट बहुत भयानक करता है, वो बहुत ही साइलेंट रहता है, वो सवर्णों की तरीके से मुखर नहीं है, वो बहुत ही चुपचाप रहता है, सहता रहता है, लेकिन जब मौका आता है तो वोट की तगड़ी चोट देता है। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी को पता है कि वोट की चोट ना पड़े, इसलिए वो उन्हें हर तरह से मनाने की लुभाने की कोशिश कर रही है। एक बड़ी बात यह भी है कि भारतीय जनता पार्टी को कमंडल की पार्टी मानी जाती है, लेकिन जैसे कुछ दिन पहले भी हमने दिखाया था, कमंडल के साथ साथ उन्होंने मंडल का तड़का भी लगा दिया है। अब एक हाथ में कमंडल और दूसरे हाथ में मंडल, तो भारतीय जनता पार्टी दोनों चीजों को साथ में लेकर चल रही है। कमंडल में साधु संत ब्राह्मण और ठाकुर और वैश्य आते हैं, वो सारे उनके साथ में पहले से ही है, और मंडल की जो राजनीति है जिसमें अति पिछड़े अति दलित सारे और पिछड़े दलित आते हैं, उन सबको साथ में लेकर के चलने की बात कर रही है। और यही ऐसा करके ही 2014 में 2017 में 50% से ज्यादा वोट मिले थे भारतीय जनता पार्टी को, और वो भी तब जब समाजवादी पार्टी ने तमाम लोगों से गठबंधन किया। 26 साल का पुराना वैर, पुराना जो दुश्मनी है उसको तोड़ करके बहुजन समाज पार्टी से
भी रिश्ता बनाया लोकसभा के 2019 के चुनाव में, लेकिन वो काम नहीं आ पाया क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी खूबसूरती से मंडल और कमंडल को एक कर दिया है और इसी के सहारे वो अपनी चुनावी नैया पार लगा रही है। और इसी के कारण, यही कारण है कि चाहे वो समाजवादी पार्टी कांग्रेस से गठबंधन करे या बसपा से गठबंधन करे, भारतीय जनता पार्टी की जीत के रथ के घोड़े को रोक नहीं पा रही है। तो एक बार फिर से पार्टी ने तय किया है कि वो मंडल की जो जितने भी लोग हैं उनको अपने साथ में रखेगी और उनके साथ में आगे बढ़ेगी। कमंडल उनके पास ऑलरेडी है ही है, तो मंडल और कमंडल का गठबंधन यहाँ पर देखा जा सकता है जिसके सहारे भारतीय जनता पार्टी अपनी चुनावी नैया पार करेगी। प्रदीप जी, एक नाम और भी चल रहा है चर्चा में, बेबी रानी मौर्य का, उत्तराखंड की राज्यपाल थी, उनको इस्तीफा दिलवाया गया, उत्तर प्रदेश भेजा गया। और इनकी खास बात ये, तो पहली बात तो ये महिला है, दूसरी बात ये दलित है, और तीसरी बात दलित में जाटो वर्ग से आती हैं, जो जाटो सबसे ज्यादा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है और मायावती का कोर वोट माना जाता है। तो क्या कह सकते हैं कि एक बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है और आगामी चुनाव में उनको पश्चिमी उत्तर प्रदेश किसी सीट से भी उतारा जा सकता है? बिल्कुल सैलन, ठीक कहा आपने, क्योंकि बेबी रानी मौर्य आगरा से आती हैं। मैंने पहले भी कहा कि आगरा दलितों का गढ़ है और आगरा मायावती का भी गढ़ रहा है, तो चूंकि वहां पर उनके 5-5 विधायक जीतते रहे हैं, बेबी रानी मौर्य वहां से आती हैं। और उनकी दूसरी सबसे बड़ी खूबी है कि वो उसी वर्ग से आती हैं जिस वर्ग से मायावती आती हैं, तो उनको जाटो वोट बैंक को बिखेरने के लिए भारतीय जनता पार्टी बेबी रानी मौर्य का इस्तेमाल कर सकती है। हालांकि अगर उनको कैबिनेट में जगह नहीं भी मिलती है तो भी उनको इतना बड़ा पद दिया जा चुका है, राज्यपाल से त्यागपत्र देने के बाद में उनको सीधा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनकर के वो एक अहम किरदार निभा रही है। लेकिन अगर उनको यहाँ पर मंत्रिमंडल में जगह मिलती है तो इसमें कोई शक नहीं है कि वो सीधे मायावती सीधे उनके निशाने पर होंगी, यानी कि बेबी रानी मौर्य को मायावती के सामने खड़ा किया जाएगा। जिस तरह से हमने स्मृति ईरानी को देखा कि राहुल गांधी के सामने लड़ करके उन्होंने कैसे राहुल गांधी को वायनाड जाने के लिए मजबूर कर दिया, लेकिन वहां पर एक कमी थी, वहां पर एक महिला को पुरुष से लड़ना पड़ा था। अब भारतीय जनता, और इसका खामियाजा उनको बंगाल में भुगतना पड़ा क्योंकि ममता बनर्जी ने जिस तरीके से अकेले लड़ाई लड़ी और बाकी लोगों को ध्वस्त कर दिया, तो अब भारतीय जनता पार्टी को यह समझ में आ गया है कि उनको लोकल नेताओं की जरूरत है जो लोकल नेता लोकल के लोगों से लड़ सके। और यही कारण है कि बेबी रानी मौर्य को आगे किया जा रहा है जिससे कि मायावती का वो जवाब हो सके, यानी कि स्मृति ईरानी की जगह पर बेबी रानी मौर्य मायावती का जवाब होंगी, वो उनको जवाब देंगी। जितिन प्रसाद ब्राह्मण को, ब्राह्मण जो नाराज है, उन नाराज ब्राह्मणों को अपने पाले में लाने की कोशिश करेंगे। हालांकि कांग्रेसी कह रहे हैं और दूसरे नेता कह रहे हैं कि जितिन प्रसाद एक फूके हुए कारतूस हैं, दगे हुए कारतूस हैं, क्योंकि जो एक अपना गांव का चुनाव ना जीत पाता हो, पंचायत का चुनाव ना जीत पाता हो, वो क्या करेगा। लेकिन इस बात में कोई शक नहीं है कि उन्होंने ब्राह्मणों के लिए काम किया है और वो एक ब्राह्मण चेहरा यहाँ पर उत्तर प्रदेश में बन सकते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है फिर लक्ष्मीकांत वाजपेयी क्यों नहीं। लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने लंबे समय तक उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सेवा की, भारतीय जनता पार्टी को खड़ा करने का काम किया, आज वो एकदम किनारे पड़े हुए हैं। मुरली मनोहर जोशी कहाँ हैं उनका भी कुछ पता नहीं है। ऐसे तमाम, वरुण गांधी भी लगातार कोशिश कर रहे हैं। वरुण गांधी को हम जानते हैं 2014 से ही वो बहुत ही मुखर नेता रहे हैं और मुख्यमंत्री बनने की कवायद कर रहे हैं, उनके मन में भी इच्छा है कि वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, और बीच बीच में वो ऐसे बयान देते रहते हैं जो पार्टी को असहज करता रहता है, इसलिए वो ज्यादा आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रणनीति पूरी तय कर ली है, एक एक जगह पर सेट कर दिया कि कैसे दलितों को फिर से अपने पाले में लाया जाएगा, कैसे पिछड़ों को एक बार फिर से मनाया जाएगा और उनके सहारे ये 2022 का रण जीता जाएगा। जी सर, इसके अलावा प्रदीप जी अगर बात कर रहे थे बेबी रानी मौर्य की, अगर बेबी रानी मौर्य को माली मंत्री पद नहीं भी देते हैं तो एक प्रचारक के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रदीप जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? शायद प्रदीप जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। तो आज की हम बात कर रहे हैं, आज उत्तर प्रदेश में कैबिनेट विस्तार हो जाएगा, 5:30 बजे का समय रखा गया है। काफी समय से अटकलें लगाई जा रही थी
कयास लगाए जा रहे थे, लगातार हम चर्चाएं कर रहे थे, खबर भी दिखा रहे थे कि कैबिनेट विस्तार आज होगा कल होगा, लेकिन अब सब पर विराम लग गया है। 5:30 बजे का समय निर्धारित किया गया है और कई सारे जो नाम हैं आप लगातार देख रहे हैं, जितिन प्रसाद जो हैं इनको जगह मिल सकती है और बेबी रानी मौर्य जो हैं इनको मंत्री बनाया जा सकता है, इसके अलावा JPS राठौर हैं, तमाम जो नाम हैं लगातार आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, संगीता बलवंत बिंद हैं। तो बीजेपी की पूरी कोशिश है, उन नामों पर मुहर लगने वाली है, पूरा समीकरण बनाया गया है कि चुनाव नज़दीक हैं, हमें किसी को नाराज़ नहीं करना, जो अब तक नाराज़ था उसको भी नाराज़गी दूर करनी है और पूरी कोशिश है उन नामों पर सहमति बने कि जिनसे उनको फ़ायदा पहुंचे, पार्टी को फ़ायदा पहुंचे, पार्टी का जो वोट बैंक है वो बढ़े और कुल मिलाकर 2022 में जीत दर्ज की जाए। तो पूरी ये कोशिश है और इसी कोशिश को देखते हुए अब जो है मंत्रिमंडल का विस्तार आज होना है, 5:30 बजे का समय निर्धारित किया गया है। और आपको बता दें AK शर्मा को लेकर भी काफ़ी समय से चर्चा हो रही थी, उनके नाम पर भी मोहर लग सकती है, AK शर्मा को भी मंत्री बनाया जा सकता है। इसके पहले जब AK शर्मा उत्तर प्रदेश आए थे MLC बनाया गया था, उसके बाद काफ़ी चर्चाएं हो रही थी कि AK शर्मा को डिप्टी CM बनाया जाएगा और फिर या फिर बड़ा मंत्रालय दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और धर्मेंद्र प्रधान जो UP के चुनाव प्रभारी बनाए गए हैं वो अपने सह 6 प्रभारियों के साथ अभी UP दौरे पर थे, 3 दिन उन्होंने UP प्रवास किया और उसके बाद वो वापस चले गए। तो कह सकते हैं तमाम सारी बैठकों के बाद बातचीत हुई, मीटिंग्स हुई और कुछ नाम शामिल किए गए हैं। प्रदीप जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? शायद प्रदीप जी से हमारा संपर्क, प्रदीप जी जो नाम हैं जो लगातार जिन नामों की चर्चा कर रहे हैं, क्या इसके अलावा कुछ और नए नाम भी शामिल हो सकते हैं? बिल्कुल, ये जो नाम हम दिखा रहे हैं इनके अलावा भी कई तमाम और नाम हैं जो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तेजपाल नागर की बात करें, तेजपाल नागर का भी नाम यहाँ पर चल रहा है। धीरेंद्र गुर्जर की बात करें, छत्रपाल गंगवार हम दिखाई रहे हैं। कृष्णा पासवान भी एक बड़ा नाम है जो यहाँ पर संभावितों में दिखाई दे रहा है और संगीता विंद है। तो कम से कम 10-12 लोगों का नाम है और इसी में से लगातार शॉर्टलिस्ट किया जा रहा है कि 7 नामों पर अंतिम मोहर लगे, क्योंकि मोहर लग चुकी है लेकिन संभावितों की लिस्ट इतनी लंबी है कि उसको संभाल पाना आसान काम नहीं था। हालांकि फिलहाल अब करीब 7 लोगों के नाम पर मोहर लग गई है और अब से कुछ देर बाद वो लिस्ट हमारे पास में आ जाएगी। 5:30 बजे होना है, शपथ ग्रहण समारोह है और तब हम आपको बता पाएंगे कि क्या ये समीकरण है, कैसे किस समीकरणों के साथ में भारतीय जनता पार्टी चुनाव मैदान में जा रही है। बात सबसे बड़ी बात यही है कि हम संभावितों में तो AK शर्मा का नाम दिखा रहे हैं लेकिन अभी तक हमारे पास जो खबर है कि वो संभावित में नजर नहीं आ रहे हैं। तो क्या बड़ी बात यह है कि सबसे बड़ी नजर जो हमारी रहेगी वो इस बात पर रहेगी कि क्या AK शर्मा मंत्री बनेंगे, क्योंकि योगी जी नहीं चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में दो ताकतें हों, जो इसीलिए उन्होंने केशव प्रसाद मौर्य को ज्यादा आगे नहीं बढ़ने दिया, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उत्तर प्रदेश में ये मैसेज जाए कि दो मुख्यमंत्री यहाँ पर काम कर रहे हैं। और AK शर्मा को हम सब जानते हैं कि वो सीधे देश के प्रधानमंत्री से जुड़े हुए हैं, गुजरात में लंबे समय तक उन्होंने काम किया है, गुजरात कैडर के IAS हैं और अगर वो यहाँ पर आते हैं तो जाहिर सी बात है कि दो पावर सेंटर हो जाएंगे। तो लड़ाई यहाँ पर पावर सेंटर की है, मुख्यमंत्री चाहते हैं कि वो होल सोल पावर सेंटर बने रहे और उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा भी जा रहा है। लेकिन दूसरी ओर AK शर्मा भी चाहते हैं और कहीं और भी कुछ बैकग्राउंड में भी चीजें चल रही हैं कि उनको भी प्रदीप जी पावर सेंटर बनाया जाए। प्रदीप जी भी काफी समय से AK शर्मा को लेकर पहले भी चर्चाएं हो रही थी, ये देखना सबसे बड़ा दिलचस्प होगा आज के मंत्रिमंडल विस्तार में कि क्या AK शर्मा मंत्री बनते हैं या नहीं। दूसरा जो सबसे बड़ी बात होगी देखने की कि जो सहयोगी दल है कि क्या उनको मंत्री बनाया जाता है कि नहीं। और प्रदीप जी आपको बता दें लखनऊ के जो BJP मुख्यालय है वहां पर इस वक्त बैठक भी चल रही है, खबर है उसके हिसाब से अनुप्रिया पटेल ने तो यहां तक कह दिया था
कि हमने मंत्री पद तो ले लिया है केंद्र में, लेकिन एंड वक्त चुनाव के वक्त हम कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि वो मैसेज देना चाह रही है। भारतीय जनता पार्टी इस बात को जानती है और यही कारण है कि उसने लंबी चौड़ी फौज तैयार कर दी है दलितों और पिछड़ों की, जिससे कि अगर एक दो व्यक्ति इधर उधर छिटकता है तो उसका ज्यादा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को ना उठाना पड़े। तो आशीष पटेल का नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो अभी हमको संभावित लिस्ट में दिखाई नहीं दे रहे हैं। संजय निषाद का नाम बहुत महत्वपूर्ण है, वो हमको लिस्ट में दिखाई नहीं दे रहे, हालांकि एमएलसी की सीट उनकी पक्की है। तो अब क्या होगा, वो अब थोड़ा रुक करके इंतजार करना पड़ेगा, 5:30 बजे तक हमको देखना पड़ेगा। दीप जी, एके शर्मा का आपने जिक्र किया, एके शर्मा को लेकर शीर्ष नेतृत्व जो है लगातार कोशिश में था, पिछले कई समय से हम देख रहे थे, पिछले 6 महीने की घटना अगर देखें तो लगातार कोशिश थी शीर्ष नेतृत्व की कि एके शर्मा को एक बड़ी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश में दी जाए, लेकिन योगी जो सीएम योगी आदित्यनाथ, उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया, उन्होंने साफ कर दिया कि हम इनको ना मंत्री बनाएंगे ना कोई बड़ा पद देंगे, जिसके बाद तमाम तरह की बैठकें हुई, बड़े बड़े नेता दिल्ली गए, दिल्ली के लोग यूपी आए, लेकिन योगी का जो फैसला था सीएम योगी आदित्यनाथ का, वो इधर से उधर नहीं हुआ, उन्होंने सहमति नहीं जताई एके शर्मा को बड़ी जिम्मेदारी देने की। उसके बाद ये भी कहा गया कि अगर शीर्ष नेतृत्व जो है केंद्र का नेतृत्व, उसने दबाव बनाने की भी कोशिश की, लेकिन लोगों ने जो राय लोगों से मिली, अगर हम योगी की बात नहीं मानते सीएम योगी आदित्यनाथ की, तो हो सकता है चुनाव में हमें नुकसान उठाना पड़ जाए। तो सीएम योगी के चेहरे को आगे रखा गया, खबरें भी आ रही थी इंदर खाने से कि सीएम के चेहरा जो है बदला जा सकता है, और सीएम योगी के चेहरे को हटाकर अगर चुनाव में जाते हैं तो जो एनालिसिस किए गए कि हमें नुकसान उठाना पड़ सकता है, आखिर में सीएम योगी के चेहरे पर सहमति बनती है, तो हम ये कह सकते हैं कि अब जो फैसला लिया जाना है सिर्फ और सिर्फ सीएम योगी जो है उनका ही फैसला मान्य होगा, बाकी किसी से कोई मतलब नहीं। देखिए शैलेंद्र, आपको एक बात समझना पड़ेगा कि अब चुनाव में बहुत कम समय बचा है, और बड़ी बात यह है कि योगी आदित्यनाथ एक बड़ा चेहरा बन गए हैं, इस बात में कोई शक नहीं है। गुजरात में जिस तरह से रूपानी को हटाया गया, पूरी मंत्रिमंडल को हटा दिया गया, एक आवाज नहीं उठी। लेकिन हम जानते हैं कि अगर उत्तर प्रदेश में ऐसा किया गया, भारतीय जनता पार्टी को इस बात का अच्छी तरीके से एहसास है कि उन्हें बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि ये बात हम 2017 में ही देख चुके हैं, जब केशव प्रसाद मौर्य और फाइट जब दो लोगों की बची थी मुख्यमंत्री बनने की। यूं तो तमाम लोग मुख्यमंत्री की दौड़ में थे, सिन्हा साहब भी थे मुख्यमंत्री की दौड़ में, और वो मंदिर में दर्शन करके लखनऊ ही आने वाले थे, उनका पत्ता कट गया, अंत में सिर्फ दो ही लोग मुख्यमंत्री के दावेदार बचे थे, एक केशव प्रसाद मौर्य और दूसरा योगी आदित्यनाथ। तो योगी आदित्यनाथ की अंत में विजय हुई थी, क्योंकि उन्होंने साफ कह दिया था कि अगर उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया तो दिक्कत में हो सकती है पार्टी, और करीब 125 विधायक उनके साथ में थे, वो मुश्किल में पड़ सकते थे। तो यही बात है कि भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि इस वक्त एन वक्त अगर कहीं इस तरह की कोई दिक्कत होती है तो मुश्किल हो जाएगी भारतीय जनता पार्टी के लिए, और अगर 2022 में भारतीय जनता पार्टी का खेल बिगड़ता है तो 2024 में भी खेल बिगड़ने की संभावना है। इसीलिए अब उनसे कोई भी छेड़छाड़ नहीं की जा रही है, और वो एक बड़े नेता बन चुके हैं, वो देश के नेता बन चुके हैं। अमित शाह और मोदी के बाद में अगर कोई तीसरा चेहरा देश में है भारतीय जनता पार्टी के पास में, तो वो योगी आदित्यनाथ है। उन्होंने 4.5 साल में अपने आप को प्रूव कर दिया है, पूरे देश के जितने भी चुनाव हुए सब जगह उन्होंने चुनाव प्रचार किया और अच्छा प्रचार किया और जीत भी दर्ज कराई। तो इसमें कोई शक नहीं, वो हिंदूवादी चेहरा है, एक भारतीय जनता पार्टी का बड़ा चेहरा बन गए, एक आइकॉन है, उनको नजरअंदाज करना किसी भी कीमत पर संभव नहीं होगा। तो इसीलिए हम सवाल खड़े कर रहे हैं, जबकि केंद्र चाहता है और खुद तमाम बड़े प्रदीप जी, प्रदीप जी क्या मानते हैं कि जब भी कोई बड़े फैसले लिए जाते हैं भारतीय जनता पार्टी में तो संघ की भूमिका बहुत अहम रहती है, तो संघ क्या संघ से भी राय ली गई होगी कि वो क्या चाहता है, जो नामों की लिस्ट बनी है उसके सामने भी रखी गई होगी, उससे भी राय ली गई होगी, रह जाते हैं। प्रदीप जी सवाल यह है जी, संघ की भूमिका हमेशा अहम रही, जब भी भारतीय जनता पार्टी में कोई बड़ा फैसला होता है संघ से राय जरूर ली जाती है, और संघ भी उस पर जब मुहर लगाता है तभी चीजें सामने आती हैं, तो क्या संघ की भी राय मानी गई होगी, और जो नए चेहरे हैं उसकी भी सहमति होगी, हो सकता है उसके भी एक दो चेहरे इसमें शामिल हो। देखिये दो चीजें समझनी पड़ेंगी, इसमें कोई शक नहीं है कि संघ की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है, लेकिन कई बार हमने देखा है कि संघ की बात को भी
भाजपा के नेता नजरअंदाज कर देते हैं। बात हम करें जैसे अटल बिहारी वाजपेयी की और आडवाणी की, तो उन्होंने तो संघ को एकदम से किनारे कर दिया था और पूरी तरीके से अपना ही काम चलाते थे। और मोदी ने भी ये दिखा दिया है कि बिना मोदी के भारतीय जनता पार्टी अब चलने वाली नहीं है। अब भारतीय जनता पार्टी कम, ये मोदी की पार्टी ज्यादा हो गई है। उनके चेहरे के बिना चुनाव लड़ना संभव नहीं है, तो इसीलिए संघ भी उतना दबाव शायद नहीं बना पा रहा है जितना पहले बना पा रहा था। और संघ को भी पता है कि इस समय जरा से भी गड़बड़ होने का मतलब है कि 2022 का रण खोना, उसमें उनके सारे सैनिक खेत हो जाएंगे। तो ऐसे में कोई रिस्क नहीं लिया जा रहा है, सब और अपनी बचा करके चला जा रहा है कि किसी तरीके से चुनाव जीता जाए और बाकी चीजें कुल मिलाकर देखी जाएंगी। ये सबका मानना है कि सारे आपस में मनमुटाव हटाकर सबका यही फोकस है, सबका यही ये प्रयास है कि इस बार हम चुनाव में एक बड़ी जीत दर्ज करें और जिसका फायदा हमें आने वाले लोकसभा चुनाव में भी मिले। बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी इनसे जुड़ने के लिए, तमाम सारी जानकारी साझा करने के लिए। तो और आपको सीधे ले चलेंगे जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। प्रदेश सरकार की महिला